देखिए 26/27 की रात्रि को एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक परिवार के परिवारजनों के ऊपर फायरिंग की सूचना थी। पुलिस के द्वारा, सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया, निरीक्षण किया गया। इसके संबंध में एक अपहरण के प्रयास का प्लस 307 का इसमें मुकदमा लिखा गया। तीन परिवारजनों को फायर आर्म इंजरी सस्टेन किया। इसके संबंध में कठोरतम कार्रवाई के लिए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। और इसमें क्राइम की गंभीरता को देखते हुए ना सिर्फ पीड़ित के विरुद्ध क्राइम है बल्कि स्टेट के विरुद्ध भी क्राइम है। और इसमें जो दूसरे हमारी एजेंसीज हैं वो सभी भी इसमें गहनता से देख रही हैं। इसी के क्रम में राजस्व विभाग के साथ मिलकर जो उनके द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था उसको गिराया गया है और इस प्रकरण में और ज़्यादा कठोर कार्रवाई जनपदीय पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, पुलिस पे भी कोई कार्रवाई की गई है, थाना प्रभारी या थाना? देखिए, इस संबंध में बेसिकली जो थाना प्रभारी है उनको निलंबित किया गया है और जो पूर्व में एक प्रकरण और था इसी मामले से रिलेटेड, उस टाइम पे जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट जनपद रामपुर में भेजी गई थी जहाँ पर उनका भी निलंबन किया गया। धन्यवाद।